हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड एंड होस्ट विवेक चौधरी। दोस्तों, अभी आप इस वीडियो में जो मशीन देख रहे हैं उसका लेज़र सोर्स डैमेज हो चुका है। क्यों हुआ है और क्या रीज़न था वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं लेज़र इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी ताकि आप ऐसी गलती फ्यूचर में ना करें। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, पूरी मशीन हमारी ओपन है, पूरी केबल ट्रे हमारी खुली हुई है, बिकॉज़ हमने इसमें से पावर सोर्स को जो है निकाल लिया है, अलग कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये हमारा पावर सोर्स रखा हुआ है, ऊपर ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है विद QBH हेड एंड नीचे रखा है हमारा फाइबर लेज़र सोर्स। हम इस मशीन को अपग्रेड करने वाले हैं अप टू 500 वोट। अभी आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 300 वोट का फाइबर लेज़र सोर्स है। सो अब हम इसको जो है 500 वोट में अपग्रेड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये हमारी मशीन नहीं है जो हम सेल करते हैं, ये एक दूसरी डिफरेंट कंपनी की मशीन है। मेरे पास में कांटेक्ट आया था कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, लेज़र नहीं आ रहा है हमारा, लेज़र को कुछ चेक करिए। सो मैंने जाके चेक किया तो इनका जो है OMH डैमेज हो चुका है, मतलब फाइबर सोर्स जो है इनका अब रिप्लेस ही होगा। फ्रेंड्स, इस मशीन के लेज़र सोर्स ख़राब होने का जो रीज़न है वो है इनकम्प्लीट नॉलेज टू आवर ऑपरेटर। एंड अभी आप देख सकते हैं, ये हमारा कटिंग हेड है, ये क्या हुआ था, एक बार लग गया था हमारा और ये टेढ़ा हो गया था, एक साइड में हमारा राइट साइड में टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था एंड वो रिफ्लेक्शन हमारा बैक गया पावर सोर्स के अंदर, जिसने पावर सोर्स को डैमेज कर दिया। फ्रेंड्स, इस मशीन के अंदर हमारे 2 स्टेप्स में प्रॉब्लम हुई है। फर्स्ट तो हमारा ये कि जो हमारा ऑपरेटर है उसने कटिंग हेड को जो है हमारे बेड के जो ब्लेड्स देख पा रहे हैं आप, जिस पे हमारी शीट रखी है, उनके बीच में अड़ा दिया, जिससे जो है हमारा कटिंग हेड टेढ़ा हो गया, मतलब एंड उसका जो बीम सेंटरिंग का अलाइनमेंट था वो हमारा चेंज हो गया। ये प्रॉब्लम तभी ठीक हो सकती थी अगर जो हमारा कस्टमर है एक अच्छे ट्रेंड इंजीनियर को जो है हायर करते एंड उनसे मशीन ठीक कराते। इन्होंने खुद से ही जो है उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की कटिंग हेड को। एंड अब जो पॉइंट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, सो जितने भी हमारे लेज़र ओनर्स या लेज़र प्लानर्स जो भी लेज़र मशीन को लेके प्लान कर रहे हैं और जो पहले से ही ओनर हैं, सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो हमारे लेज़र ओनर्स हैं वो मशीन को डायरेक्ट इम्पोर्ट करा लेते हैं किसी भी एक कंट्री से एंड बीच में किसी डीलर को नहीं रखते हैं, मतलब इंडियन डीलर को, एंड उससे क्या होता है कि कुछ कॉस्ट सेविंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपकी कॉस्ट सेविंग ज़रूर हो जाएगी, बट फिर सर्विसिंग का क्या? एक बार जो है बाहर की जो कंपनी है जहाँ से आप डायरेक्ट इंपोर्ट करा रहे हैं, वो एक बार बंदा भेजेंगे इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए, देन बट बाद में आपको इस चीज़ को लेके सफ़र करना पड़ेगा। सो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कभी भी किसी भी एक प्रोडक्ट को बाहर से डायरेक्ट इंपोर्ट मत कराइए, बिकॉज आपकी एक लिटिल कॉस्ट सेविंग आपको एक बहुत बड़ा लॉस दे सकती है और केस आपके जस्ट सामने है, आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेन थिंग इज़ सर्विसिंग। आप कितना भी महंगा प्रोडक्ट लीजिए, कितना भी ब्रांडेड प्रोडक्ट लीजिए, अगर आपको उसकी सर्विसिंग ऑन टाइम नहीं मिल रही है तो वो जस्ट आपके लिए वेस्ट है एंड वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म देने वाला है। सो कभी भी किसी भी मशीन को ख़रीदने से पहले एक बार कंफर्म कर लें कि जिस जो कंपनी आपको मशीन प्रोवाइड कर रही है उनकी सर्विसिंग कैसी है। फ्रेंड्स, मशीन सेल्स से ज़्यादा सर्विसिंग ज़्यादा मैटर करती है। मशीन आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बहुत सारे मतलब कंपनियां हैं मार्केट के अंदर जो मशीन सेल करती हैं, बट क्या उनकी सर्विसिंग भी इफ़ेक्टिव है ये आपको पता करना है। एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ प्राइजिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको एक अच्छी डील मिल रही है कम प्राइस में, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मशीन भी अच्छी मिलेगी। हो सकता है आपको लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन दे दी जाए जिसमें पार्ट्स जो है बहुत ही चीप हों एंड आपको फिर बाद में सफ़र करना पड़े। सो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ से जाके ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम ए सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर इन एन SL एन इंजीनियरिंग सोल्यूशन कंपनी फ्रॉम दिल्ली एंड वी आर मास्टर्स इन लेज़र टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो कुछ भी रहेगा लेज़र से रिलेटेड, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए एंड आपको फुल असिस्टेंस दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
एंड फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एंड जुड़ जाइए हमारी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैमिली से और बन जाइए हिस्सा हमारी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैमिली का। सो थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ में, एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैमिली से। बाय बाय, टेक केयर।